जल्दी करो, देर हो रही है। डेविड, सारा, हरी अप। अरे अरे यार, क्या है? तुम भी ना सुबह सुबह हर 10 मिनट के बाद टाइम बताना शुरू कर देती हो। तुम्हारे होते में हमारे घर में अलार्म क्लॉक की कोई जरूरत नहीं है। मैं ना होती ना तो तुम दोनों रोज लेट होते। तो तुम हमारी जिंदगी में किस लिए हो? इसीलिए तो हो। चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो जाओ। अच्छा चलो भाई, चले इसको भी तैयार कर दो। ठीक है, मैं तैयार करूं? जी। मेरी मम्मी चूड़ियाँ भी पहनती थी, आप क्यों नहीं पहनती? और मेरी मम्मी लिपस्टिक भी लगाती थी, आप क्यों नहीं लगाती? मेरी मम्मी ग्रीन और ब्लैक कलर के कपड़े भी पहनती थी, क्योंकि मेरे पापा को ये दोनों कलर बहुत अच्छे लगते थे। एप्पल, एप्पल ठीक नहीं बना, फिर बनाते हैं। In this Garden of Eden, you are free to wander and go about. Appreciate the good things in life, but you are forbidden to eat this fruit from this tree. Save me from this sin. Please save my soul. Please save my soul. मैं सब कुछ नहीं करना चाहती जिस पर मैं बाद में पछताऊं। मुझे इतना कमजोर मत होने दे कि मेरी जिंदगी में गलती का कोई लम्हा आ जाए। Good morning, Sister Natasha. Good morning. What a pleasant surprise. आप लोग यहाँ? हम दरअसल अपनी शॉपिंग यहीं से करते हैं। मैं भी सब्जी और फल यहीं से खरीदने आती हूँ।
लगता है आपने अभी तक शॉपिंग शुरू नहीं की, अगर चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यस, व्हाई नॉट, लेट्स गो। मेरा फ्लैट यहाँ करीब में ही है, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ एक चाय का कप पियेंगे। थैंक यू। You have very lovely home. Thank you very much. Sarah is really mad about you. Really? जब भी स्कूल से आती है बस सिर्फ आपका जिक्र करती है। अच्छा? Actually, she is very cute and sweet. सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी आपसे अटैच हो जाएगी। अगर आप नन्ना होती तो वैसे सारा किसी को अपना रूम दिखाती नहीं है। रियली? आइए मैं आपको ड्रॉप करूं। I'm so grateful कि आज आपने हमारे घर आके थोड़ा सा वक्त गुजारा हमारे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, ऐसे लगा जैसे अपना घर हो। अगर वाकई आपको अपने घर जैसा लगा तो I'm honored। चर्च मुझे अमेरिका भिजवा रहा है एक साल के लिए। What? मगर क्यों? क्यों क्या मतलब? I mean, what are we going to do without you? Sarah has become so attached to you.
and even I. आपको नहीं जाना चाहिए. मेरे हाथ में नहीं है. आइए. सिस्टर नैंसी, वो मैं सब्जी खरीद रही थी, उसमें देर हो गई. फिर एक दोस्त मिल गई. कौन दोस्त? यस, स्कूल फ्रेंड. यस. लेकिन तुम्हें एहसास होना चाहिए था कि तुम्हें वापस भी यहीं आना है. आई एम सॉरी सिस्टर नैंसी, कुछ देर के लिए मैं भूल गई थी कि मुझे वापस यहाँ आना है. याद रखना चाहिए था तुम्हें. यू आर अ नन, यू कांट बी रिस्पॉन्सिबल. I know that. Be careful next time. सिस्टर नताशा बहुत खुश नजर आती है. मैं नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ, मैंने भी नोट किया है. नताशा के चेहरे पे अजीब सा ग्लो आ गया है. क्यों, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोगों को वहम हो रहा है. वहम? किस बात का वहम नताशा? हाँ भाई, हमें किस बात का वहम हो सकता है? नहीं, मेरा मतलब है कि... क्या मतलब था? मेरा मतलब है कि जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है कुछ ऐसा. हम क्या समझ रहे हैं? भाई, हम दोनों मजाक कर रहे हैं. हमें पता है कि तुम क्यों खुश हो. इसीलिए ना कि तुम अमेरिका जा रही हो कोर्स करने. ऐसी बात है. और ये पता नहीं क्या समझ रही है. सारा मुझसे अक्सर पूछती रहती है कि आप ये वाइट ड्रेस क्यों पहनती हैं. मुझ
मुझसे भी पूछती रहती है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप नन क्यों बनी? मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। किसी और तरीके से मैं उन सबको पूरा नहीं कर सकती थी। I see. इसका मतलब है ये कॉलिंग नहीं थी। आपको वैसे नन नहीं बनना चाहिए था। पता नहीं क्यों आपको देख के लगता है जैसे आपको डॉक्टर होना चाहिए था। मैं नन नहीं बनना चाहती, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। Really? हाँ। Okay, have a nice day. Bye bye. Hello. Hi, how are you? I'm fine. ये बताइए कि आप आज मेरे घर आ सकते हैं? वो हम सारा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। It's gonna be just me and Sarah. So, I thought कि अगर आप भी शामिल हो जाएं हमारे साथ। मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है, लेकिन जब करूंगा जब आप आ जाएंगी। I'll be waiting. Take care, bye. जो बात मैं तुमसे कहने लगा हूँ वो तुम्हें बुरी तो लगेगी, लेकिन क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि
तुम कॉन्वेंट छोड़ दो, इस घर में आ जाओ, मैं तुम सहरा एक खूबसूरत जिंदगी गुजारें साथ। क्या तुम्हें ये मेरा प्रपोजल कबूल है? ये मेरे लिए लाइफ टाइम चांस है, मेरे लिए एक मौका है कि मैं इस तन्हाई के गर्भ से निजात हासिल कर लूं, एक घर बना लूं, ऐसा घर जहां पर मेरे साथ मेरा शौहर, मेरे बच्चे हो, सिर्फ नांस और प्रीस्ट नहीं। मैं जानती हूं मेरी कम्युनिटी मुझे बहुत मलामत करेगी, फिर भी मेरी फैमिली को मेरी जरूरत नहीं है, उन सब की अपनी जिंदगियां हैं, अपने घर हैं। चंद साल बाद उनमें से किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कभी कोई नताशा फ्रांसिस भी थी, जिसने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी को रहन रख दिया था, जिसको क्रिसमस और ईस्टर के एक कार्ड और साल में एक आध बार की जाने वाली कॉल के अलावा भी कुछ चाहिए। थोड़ी सी मोहब्बत, चंद रिश्ते, अपने इर्द गिर्द के हुजूम में चंद शनासा लोग। मैं जानती हूँ ये गुनाह है जीसस, मैं जानती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे पापा को ग्रीन और ब्लैक कलर बहुत पसंद है। Come on, check out who's there. Come on, come on. सॉरी, मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। यू लुक सो डिफरेंट टुडे। आइए प्लीज, आइए, कम।
हैप्पी बर्थडे टू यू सारा। सिस्टर नताशा आ गई? आई थॉट के सिस्टर नताशा आई, आई एम सो सॉरी। डेविड प्लीज जवान मुझे बता देना। सोफी शी इज नताशा। And Natasha, this is Sophie. My wife. Thanks. दरअसल मैंने सोफी ने कल ही कोर्ट मैरिज की है। मेरे पेरेंट्स हमारी शादी से रजामंद नहीं थे, तो मैं चाहता था कि आप मेरे पेरेंट्स से मिले और उन्हें समझाएं। वो एक नन की बात को रद्द नहीं करेंगे। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, बट मैं इतनी कंफ्यूज हो गई ना कि मुझे पता नहीं चला कि आप सिस्टर नताशा हैं। बस हमेशा से यही सुना था कि नन सफ़ेद लिबास में होती हैं, तो आपको उस तरह से देख के आई वाज रियली शॉक्ड, आई एम रियली सॉरी। पर मुझे डेविड ने आपके बारे में बहुत बताया है, योर बेस्ट फ्रेंड्स। जी, मैं और डेविड वाकई बहुत अच्छे फ्रेंड्स। आप सही कहती हैं, नन हमेशा सफ़ेद लिबास ही पहनती है। वो असल में यहाँ से मैं गुजर रही थी, सोचा यहाँ से होती हुई जाती हूँ। सहरा ने कभी मुझे ऐसे कपड़ों में देखा नहीं है। लेकिन आप मुझे वाइट लिबास में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर ये नन ना होती तो मेरे ख्याल में मैं इनसे शादी कर लेता। Oh, what's wrong with you, David? क्या your sense of humor is? I swear too much. नन्स कभी बड़ा शादी करती हैं? Right. नन्स कभी शादी नहीं करती। मेरे ख्याल में चलती हूँ। आप थोड़ी देर और रुकती हैं, मैं अच्छा लगता है। कभी अभी मुझे वापस जाना है। बाय। जीसस, मैं मानती हूं गुनाह के जायके को जबान की नोक से मैंने चखा जरूर है, मगर चखने और निकलने में फर्क होता है ना। इस फर्क को ही मेरी माफी का वसीला बना। एक औरत के एहसास को दबाने जा रही हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए। ना ये औरत रहेगी ना उसकी ख्वाहिश। ये ख्वाहिशें ही तो हैं जो उसे बुलंदी पर खड़े होने के बावजूद नीचे देखने पर मजबूर करती है। मेरी आंखों में राख भर दो जीसस, और उन राख भरी आंखों से भी